जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग है, जो मॉर्निंग सेशन है वो 10 बजे से 1 बजे तक होता है। इसके बाद जो आफ्टरनून सेशन है उसको वो 2 बजे से 5 बजे तक होता है। 2 सेशन में एग्जाम होता है, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। कई बार आफ्टरनून सेशन को इवनिंग सेशन भी बोल देते हैं, 2 बजे से 5 बजे तक चूँकि एग्जाम होता है। और जो प्रैक्टिकल की बात है, जिन प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल का ऑप्शन है, तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से हॉल टिकट आपको रीजनल सेंटर से मिलेंगे। ये वाले हॉल टिकट केवल थ्योरी एग्जाम के लिए वैलिड हैं। एग्जामिनेशन में आपको आंसर लिखने की जहाँ तक बात है, तो जो प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं उनके उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, उसके उत्तर अगर आप रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उस स्थिति में आपकी आंसर स्क्रिप्ट इवेलुएट नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जो बीए और बीकॉम के एग्जामिनेशन होंगे उसमें जो फाउंडेशन कोर्स हैं FST1 और BSHF 101, इससे संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है। और उसमें एक तो ये क्वेश्चन रहा है कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भाई ये MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। और ये एग्जामिनेशन एक ही कोर्स के एग्ज़ाम दो अलग अलग डेट्स पे होंगे। तो ये दो अलग अलग डेट्स पे होंगे, उनका रीज़न है कि जो FST का एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2019 को होगा इवनिंग सेशन में। अब देखिए यहाँ पे इवनिंग सेशन आया और ऊपर आफ्टरनून सेशन आया था, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इवनिंग सेशन और आफ्टरनून सेशन बोथ आर द सेम एंड टाइमिंग ऑफ दीज सेशंस आर 2 to 5, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इनका टाइम होता है। तो ये सेशन इवनिंग या आफ्टरनून एक ही है, मॉर्निंग सेशन 10 से 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं FST के एग्ज़ाम की बात कर रहा था। तो जो BA और BCOM के विद्यार्थी हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा FST 01 का, वो होगा 28 तारीख में इवनिंग सेशन में, यानी कि दोपहर 2 से 5 बजे तक। इसी तरह से जो लोग BSc या दूसरे प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने FST1 ऑप्ट कर रखा है, उनका एग्ज़ाम 31 दिसंबर को होगा मॉर्निंग सेशन में, यानी कि सुबह 10 से 1 बजे तक। इसी तरह से बात कर लेते हैं BSHF 101, ये भी फाउंडेशन कोर्स है और ये भी विभिन्न प्रोग्राम्स में ये कोर्स लगता है। BSHF 101 जिन जो विद्यार्थी BA और BCOM प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, जिन जो विद्यार्थी BA और BCOM प्रोग्राम के हैं, उनका एग्ज़ाम 9 दिसंबर को इवनिंग सेशन में, यानी कि दोपहर में 2 से 5 बजे तक होगा। साथ ही साथ जो लोग BA और BCOM से बिलोंग नहीं करते, इसके अलावा जैसे कि BSc या दूसरे प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, उनका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को इवनिंग सेशन में, यानी कि 2 से 5 बजे होगा। तो ये एक जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, अब आपके मन में नहीं होना चाहिए। कोर्स एक ही है, दो बार इनके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन प्रोग्राम सेपरेट हैं, ठीक है। पहली जो डेट है एग्ज़ाम की वो BA BCOM के बच्चों के लिए है, और दूसरी वाली जो डेट है वो BSc और दूसरे प्रोग्राम के बच्चों के लिए है। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, एग्जामिनेशन फॉर बोथ कोर्सेस दैट इज FST1 एंड BSHF 101 विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ टाइप एंड कंडक्टेड ऑन OMR सीट्स ओनली। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये बात क्लियर है कि इन दोनों ही कोर्सेस के एग्ज़ाम FST 01 और BSHF 101 के एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि आपको उत्तर लिखने के लिए कापियाँ नहीं मिलेंगी, OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको ऑप्शंस ब्लैक करने होंगे। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, किस तरह से उत्तर लिखने चाहिए और कम समय में अब आपको क्या करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।